हेलो दोस्तों, प्री मिक्स के हमारे 82nd एडिशन में आप सबका स्वागत है। और इसमें हम पांच सवाल डिस्कस करेंगे, कुछ स्टैटिक से हैं और कुछ करंट अफेयर से। ठीक है, शुरू करते हैं। और उसके पहले बिफोर वी प्रोसीड, आपको मैं वही चाहता हूं बताना, हम एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं हर एक अपने इनिशिएटिव में। शुरू में बता देते हैं आपको कि विमेंस डे के उपलक्ष्य में हमने कोड प्रमोट कर रहे हैं, एक अफसर बनानी है बहुत सारी अपनी बेटियाँ एंड अपनी जो लड़कियाँ हैं हमारे देश की, उनको हमने ऑफिसर्स प्रमोट करना है। एंड अकॉर्डिंगली दैट इज़ वन वेरी इफेक्टिव वे of creating equality in the country when women will have a power to make the policy। ठीक है, ओके, चलो हम उसके लिए हमने आपको, अगर ये कोड यूज करते हो हमारे टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स में, तो यू गेट 20% रिबेट ऑन दीज थिंग्स। ऑलरेडी काफी कॉस्ट इफेक्टिव है एंड हम ट्राई कर रहे हैं और कॉस्ट इफेक्टिव बन जाए स्टूडेंट्स के लिए। चलो ठीक है, तो अब पहला सवाल आप सबके लिए है, जो आप सबके सामने, ये आपने बताना है कि इसमें से कौन सी बातें करेक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल थिएटर ओलंपिक्स। अभी ये न्यूज़ में था, हर जगह न्यूज़ में कैप्चर हुआ है कंटिन्यूसली, PIB में भी था अगर आप फॉलो करते हो। तो इंटरनेशनल थिएटर ओलंपिक्स के कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया इसको फर्स्ट टाइम होस्ट कर रहा है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ HRD होस्ट कर रही है। एंड ये जो थिएटर ओलंपिक्स थे, ये 1993 में डेल्फी ग्रीस में इस्टेब्लिश किए गए थे। तो ये तीन आपके पास जो ऑप्शंस, जो स्टेटमेंट्स हैं, आपने बतानी है कौन सी इसमें से करेक्ट हैं। ठीक है, आपने सही बतानी है। तो वन ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन एंड थ्री ओनली, या सभी करेक्ट हैं। ठीक है, इसको जो आप अगेन आराम से सोच सकते हैं, अगर आपने PIB में पढ़ा था, यही मौका होता है जब आपने पढ़ा हुआ उसको रिकॉल करके चेक करने का कि कितना आपको आता है। ठीक है, ओके, कितना रिटेन हुआ। तो यही आपके, इसका करेक्ट आंसर इज वन एंड थ्री ओनली। ये फर्स्ट टाइम इंडिया होस्ट कर रहा है, इसका 8th एडिशन अभी आएगा, 8th टाइम ये इंटरनेशनल जो थिएटर ओलंपिक्स हो रहे हैं। तो एंड ये फर्स्ट टाइम ग्रीस में इस्टेब्लिश हुए थे, और मिनिस्ट्री ऑफ HRD नहीं कर रही, ये कल्चर एंड टूरिज्म वाली जो हमारी मिनिस्ट्री है वो कर रही है। एंड अदरवाइज इसके बारे में आप और भी जान सकते हो, उसका PIB का जो एक छोटा सा एक लिंक है वो मैं नीचे लगा रहा हूँ, आप चाहें थोड़ा सा इसके बारे में और भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अगेन ये भी न्यूज़ में था, जनवरी की न्यूज़ है ये, करंट अफेयर्स की। उसके कॉन्टेक्स्ट में आपने बताना है कौन सी बात यहाँ पर सही है, कि इंडिया के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का नाम परम है, दूसरा इसको CDAC पुणे ने बनाया, एंड ये दुनिया के 5 फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स में से एक है। ठीक है, तो आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। अगेन वन ओनली, टू एंड थ्री ओनली, थ्री ओनली, या सभी के सभी यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो रिलेटिवली अगेन मैं कहूंगा साइंस एंड टेक टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ऑफन देखे जाते हैं सुपर कंप्यूटर पे, दो बार UPSC सवाल पूछा गया प्री में, एक तो बहुत ही रिसेंट 2016 में ही शायद पूछा गया था। ठीक है, तो आप इसका करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर इज इसका थ्री ओनली, क्योंकि उसका नाम परम नहीं है, परम पहले हुआ करता है, अभी जो है नया हमारा सुपर कंप्यूटर उसका नाम क्या है, प्रत्यूष को CDAC ने नहीं बनाया, इसको किसने बनाया, हमारे IITM। IITM क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी, जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो आपके लिए ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी, जो हमारे वेदर फिनोमेना के बारे में जानना चाहेंगे, मेटीरियोलॉजिकल। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो क्या है, जो IITM किसको स्टडी करना चाह रहा है, पुणे इंस्टीट्यूट है, ये मॉनसून को स्टडी कर रहे हैं, कि हम डेटा इनपुट करें तो अकॉर्डिंगली हमें पता लगे मॉनसून कैसा रहेगा। मार्च के आसपास जो अटेम्प्ट है, मार्च के आसपास ही चाहते हैं ये जान लेना कि इस बार का मॉनसून कैसा रहेगा, एंड इसकी स्पीड कितनी, अदरवाइज 6.8 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, 6.8 पेटाफ्लॉप्स, इतनी अदर, इसको अगर जाते हो जानना तो, और आपको उसको नीचे एक हिंदू का भी लिंक है, आप मैं नीचे लगा दूंगा लिंक, प्लीज़ पढ़ लेना उसको। 6.8 पेटाफ्लॉप्स है, और एक पेटाफ्लॉप कितना होता है, उसमें मिलियन बिलियन फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं, मतलब इतनी जो ऑपरेशन या इतनी कैलकुलेशन कर सकता है। जनरली जो आपका वेदर फिनोमेनाज होते हैं, ये बहुत सारा जो डेटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर आम जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं उसको प्रोसेस ही नहीं कर सकते, इतना डेटा इनपुट हो रहा है। तो और उसके बाद आपको सुपर कंप्यूटर चाहिए होते हैं, एंड वैसे दुनिया का जो सबसे जो तेज जो सुपर कंप्यूटर है वो किसके पास है, वो है चाइना के पास, उसका नाम है तियान हे, दुनिया का सबसे तेज अभी जो एग्जिस्टिंग सुपर कंप्यूटर में से एक है तियान हे। हर एक जो ऑसम चीज़ देखो आप, तो चाइना में ही हो रही है। ओके, हाँ चलो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड एंड आइकन मिशन अभी न्यूज़ में थे, आपने बताना है किस स्पेस एजेंसी ने ये लॉन्च की है, गोल्ड मिशन और आइकन मिशन, स्पेसएक्स,
रॉस कॉस्मॉस, नासा या अपने भारत का इसरो। स्पेस एक्स प्राइवेट एजेंसी है कि यूएस की, रॉस कॉस्मॉस रशिया की एजेंसी है, नासा यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है, एंड इसरो अपने भारत की एजेंसी है। बताओ किसने गोल्ड एंड आइकन मिशन लॉन्च किए थे। रिलेटिवली मेरे हिसाब से आसान सवाल है क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पढ़ा होगा तो आता होगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। एंड आंसर इज नासा। गोल्ड एंड आइकन मिशन ये जा कह रहे हैं, ये आइनोसफेयर को जो हमारे जो ओजोन लेयर के जस्ट ऊपर हमारे एक आयनोस्फेयर एग्जिस्ट करता है उसकी स्टडी करने जा रहे हैं, आयनोस्फेयर की। ये इसका चाहते हैं क्या इम्पैक्ट कि ना, अदरवाइज अभी तक माना जाता था कि आयनोस्फेयर पे किसका इम्पैक्ट है, सिर्फ सन का, जो सोलर विंड्स आती हैं सोलर विंड्स का इम्पैक्ट है। लेकिन अब ये इनका जो एजेंडा क्या है कि ये लो अर्थ ऑर्बिट में रहेंगे एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेगा। आइकन ये लियो में होगा एंड ये अपना जियो स्टेशनरी एक जो उसी के आसपास के ऑर्बिट में घूमेगा। एंड अदरवाइज एजेंडा क्या है, एजेंडा जानना ज़रूरी है, ये छोटी बातें बाद में करेंगे। तो ये आप सब जो इसको आर्टिकल के नीचे, मैं नासा का ही लिंक है वो मैं नीचे लगा दूंगा, आप उसको रीड कर सकते हैं और कि क्या है, कौन से ऑर्बिट्स हैं। तो लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात जानने की है कि अभी तक माना जाता था कि आयनोस्फेयर में सिर्फ सन जो सोलर विंड्स हैं उन्हीं का इम्पैक्ट है, लेकिन अब ऐसे मॉडल्स ऐसे डेवलप हुए हैं, ऐसे ऐसे जो थ्योरीज आ रही हैं जो कहते हैं जो अर्थ पे फिनोमेना होते हैं, अर्थ के फिनोमेना का भी आयनोस्फेयर पर असर है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन आया कहीं पर, कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन कहीं पर, हरिकेन आया, तो उसका भी कहते इंपैक्ट पड़ता है आयनोस्फेयर पर। एंड आयनोस्फेयर अदरवाइज वैसे भी इंपैक्ट डालता है ना, क्योंकि आपके रेडियो वेव्स वगैरह कम्युनिकेशन आयनोस्फेयर की मदद से होती है। तो इसीलिए चाहते हैं जानना कि जो अर्थ के आसपास के जो फिनोमेनाज हो रहे हैं उनका आयनोस्फेयर पर क्या इंपैक्ट है। गोल्डन आइकन उसके लिए जाएंगे एंड गोल्डन आइकन की फुल फॉर्म भी आप जाके देख सकते हैं, नीचे मैं लगा दूंगा, आप उसको थोड़ा सा याद करने की ट्राई कीजिएगा, नोट्स बनाते हो तो नोट्स बनाते रहिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके चलो अपना अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ये है, आपने बताना है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आज सर ने आपको जो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताया एंड INA के बारे में बताया, उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि आप इसके बारे में और रीड कीजिए एंड उनको जो वीडियोज जो बनाए जा रहे हैं उनको और डिटेल में पढ़िए। सर ने बताया भी था आपको कि विकिपीडिया वगैरह भी देख सकते हैं आप, तो ये ज़रूरी है जानना इनके बारे में, ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातें पूछी जाएंगी। अंडमान निकोबार आइलैंड्स को INA की फोर्सेज ने रीनेम कर दिया था, आपने बताना है उनको रीनेम करके क्या रखा था, शहीद एंड स्वराज, तिलक एंड गोखले, महात्मा एंड गुरुदेव या लक्ष्मी एंड आज़ाद। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को रीनेम करके इसमें से क्या रखा गया, ठीक है। सिंपल सवाल है, बहुत ऑफन पढ़ते हो, हर मेरे हिसाब से हर एक हिस्ट्री की किताब में दिया हुआ है, ठीक है, और रिलेटिवली ईजियर क्वेश्चन, ऐसे दो नंबर लूज नहीं करने एग्जाम में। तो एंड इसका आंसर है शहीद एंड स्वराज, बाकी तो हमने ऑप्शंस क्रिएट की ऐसे ही आपको तंग करने के लिए, तो अदरवाइज शहीद एंड स्वराज नाम रखा गया था। उसके बाद वापस लेकिन भारत सरकार ने अंडमान निकोबार नाम से ही कंटिन्यू किया, ये अंडमान है यहाँ पर, तो ये उसी से कंटिन्यू किया। एंड अभी पिटीशन एक दायर की हुई है किसी ने, जो ऑनलाइन पिटीशन चलती है ना change.org पर, तो वहाँ पर पिटीशन दायर की हुई है वापस नाम बदलो, कि ये अंग्रेजी नाम है अंडमान निकोबार, हमारे वापस हमारे जो नेताजी ने नाम दिए थे वो वापस लेकर आओ, ठीक है। ओके तो अब उसके बाद हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन ये है मिडिल इनकम ट्रैप। आज ही हमने मिडिल इनकम ट्रैप इकोनॉमिक सर्वे में ये पर्टिकुलर एक फिनोमेना डिस्कस किया गया था, तो मैंने आज ही डिस्कस किया है दिन में ये मिडिल इनकम ट्रैप इको सर्वे का वीडियो, जो चैप्टर नंबर 5 लेट कन्वर्जेंस स्टॉल पढ़ रहे थे हम, तो वहाँ पे ये टर्म आई थी। आपने अगर जाके इत्मीनान से दोबारा पढ़ा होगा, थोड़ा सा अगर बैठ के सोचा होगा थोड़ा और उसके बाद में रीड किया होगा, तो आपको ये आंसर आना चाहिए आज। तो मिडिल इनकम ट्रैप किससे रिलेटेड है, पहला मिडिल इनकम कंट्रीज जो वक्त के साथ नेगेटिव ग्रोथ विटनेस करेंगी, दूसरा मिडिल इनकम कंट्रीज वुड ग्रो मोर स्लोली दैन व्हाट कुड बी एक्सपेक्टेड गिवन देयर इनकम लेवल, कि जितनी इनकी इनकम है उसके हिसाब से ग्रो नहीं करेंगी, उससे थोड़ा स्लो ग्रो करेंगी। यहां पर क्या था नेगेटिव, यहां पर है स्लोली। एंड देन तीसरा कि मिडिल क्लास विल बी अनएबल टू इम्प्रूव इट्स सोशो इकोनॉमिक पोजिशन बिकॉज ऑफ इनकम लेवल, कि जितनी इनकी इनकम लेवल होती है उसके हिसाब से अपनी सोशो इकोनॉमिक पोजीशन इंप्रूव नहीं कर पाती मिडिल क्लास। एंड आखिरी इज कि जो लोअर, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर लोअर इनकम कंट्रीज टू बिकम मिडिल इनकम कंट्रीज एज इफ द लोअर इनकम कंट्रीज आर कॉट इन अ ट्रैप, कि लोअर इनकम जो कंट्रीज हैं वो मिडिल इनकम कंट्रीज बन ही नहीं पाती, जैसे कि उनको किसी ने बांध रखा हो, किसी ट्रैप में बांध दिया हो। तो आपने बताना है इसमें से कौन सी ऑप्शन ABCD में से सही है।
आपने ये चैप्टर में अगर ये इसको ढंग से पढ़ा है आपको ये सवाल आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज आप क्या कर रहे हो, बहुत रैपिडली चीज़ों को पढ़ रहे हो। चीज़ों को जितना आप आराम से, जितना आप धीरे पढ़ने की ट्राई करोगे उतना रिटेन होती है, उतनी जल्दी समझ भी आती हैं, ठीक है। ओके, इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कि मिडिल इनकम कंट्रीज अपनी इनकम के हिसाब से देखें तो स्लोली ग्रो करती हैं, ऐसा लगता है जैसे ट्रैप में फंस गई हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके दो कारण थे, हमने डिस्कस किए थे, मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। पहला कारण क्या था कि जब मिडिल इनकम कंट्रीज लो इनकम कंट्री थी पहले, तो तब वो क्या करती थी, अपने जो उसके जो जो एम्प्लॉयज़ थे या जो भी जो वर्कर्स थे उनकी वेज काफ़ी कम हुआ करती थी। तो कम वेज के चक्कर में हुआ क्या कि प्रोडक्ट्स बने, प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते बन गए, सस्ते प्रोडक्ट्स बन गए तो काफ़ी कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स थे, एक्सपोर्ट्स हुआ दबाकर, है ना, एंड एक्सपोर्ट हुए जो बढ़े तो मिडिल इनकम कंट्रीज बन गई। तो लेकिन हुआ क्या कि जब मिडिल इनकम बन गई तो लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ गई, तो अब लोग पीपल स्टॉप्ड एक्सपेक्टिंग लोअर वेजेस, उनको मिडिल इनकम की कंट्रीज के हिसाब से ही वेजेस चाहिए थी। अब सस्ते प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, सस्ते प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे तो उनकी वो कंपेटिटिवनेस लूज हो जाएगी टू पुअरर कंट्रीज जो अभी भी सस्ते प्रोडक्ट्स बना रही होंगी। तो मिडिल इनकम कंट्रीज क्या ट्राई करती हैं, जो हायर इनकम कंट्रीज हैं, जो एडवांस कंट्रीज हैं, हम उनके प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करती हैं, फिर उनसे तो सस्ते बना लेंगे, सस्ते प्रोडक्ट बनाएंगे हम। तो लेकिन वो क्या जाके देखते हैं कि एडवांस कंट्रीज काफी टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव्ड प्रोडक्ट्स बना रही हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज के पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं होती। तो टेक्नोलॉजी ना तो ये एडवांस कंट्रीज के टेक्नोलॉजी से मैच कर पाती हैं, उतने अच्छे प्रोडक्ट्स बना पाती हैं, एंड ना ही ये लोअर इनकम कंट्रीज से के कॉस्ट वाले फैक्टर पे उनको हरा पाती हैं। तो मिडिल इनकम कंट्रीज की एकदम से देखते हैं ये इनकम जितनी रैपिडली ग्रो कर रही थी उतनी रैपिडली अब ग्रो नहीं कर रही, ऐसे लगता है जैसे एक ट्रैप में फंस गई है। हमारा इको सर्वे क्या बोलता है कि इंडिया ने अभी तक इसको अवॉइड किया है, इंडिया मिडिल इनकम कंट्री के आसपास पहुंच गए एंड इंडिया ने अभी तक इसको मिडिल इनकम जो ट्रैप था इसको अवॉइड किया है। अभी तक ये इंडिया नहीं रुका, स्टॉल नहीं हुआ, लेकिन हाँ बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं वहाँ पे कि क्या टेंशन हो सकती है कि हमारी इनकम बढ़नी रुक जाए, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास कुछ सवाल थे और बस अंत में जाते हुए जो हम सिंपल आपसे बात करते हैं हमेशा कि बहुत रीड करो, छोटी छोटी चीज़ें जैसे आज जो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात करी आपने और रीड करना था ताकि आपका सवाल सही हो जाता वो, एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ के बारे में और उसके बाद उसको रिसर्च करना, इसीलिए इक्वली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। रिवाइज नहीं करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल। गोल्डन आइकन आपने शायद पढ़ा हो लेकिन रिवाइज नहीं किया, इंडियन और जो इंटरनेशनल जो थिएटर ओलंपिक्स रिवाइज नहीं किया तो कोई किसी काम का ही नहीं रहा, आपको भूल ही गया। एंड रिहर्स का मतलब खुद को टेस्ट करो, जब तक खुद को टेस्ट नहीं करोगे तब तक मैं बता रहा हूँ चीज़ें दिमाग में नहीं बैठती। और ये बहुत लोगों ने कहा है कि वो चाहे वो एक किताब कम पढ़ें लेकिन टेस्ट वो ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, क्योंकि टेस्ट करने से ही आपको दिमाग में बातें घुसती हैं। अदरवाइज़ आप ये 5 सवाल सुनते हो आपको ये बहुत ज़्यादा रिटेन होते हैं एज़ कम्पेयर टू दिन में आप 500 फैक्ट्स पढ़ते हो। एंड उसके बाद इन सब चीज़ों को क्या करो, रिपीट, ठीक है, ये बार बार करते रहोगे। 88 के आसपास हमारे पास दिन है, अभी भी मेहनत कर सकते हैं, बहुत सारी मेहनत कर सकते हैं। अगर मैं हर रोज़ भी अगर मैं सिर्फ 10 घंटे पढ़ूँ, 880 घंटे पढ़ें, बहुत ज़्यादा सामान पढ़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। पढ़ते रहो, टेस्ट करते रहो एंड क्रैश कोर्स वगैरह पे अगर हम चाहते हो ज्वाइन करना तो अभी एक रिबेट चल रहा है जो वीमेंस डे वाला, उसको ज्वाइन कर सकते हो तब। एंड कल तक के लिए आप सबसे भी अलविदा, मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक्स अ लॉट।